जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत फिर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। सुरक्षा बलों ने बारामूला के बाहरी इलाके कनिसपोरा में तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों को यहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बारामूला में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना और पुलिस के संयुक्त दस्ते ने तलाशी अभियान शुरू किया। इसमें बारामूला पुलिस, 52 राष्ट्रीय राइफल और CRPF की 53वीं बटालियन इस ऑपरेशन में शामिल है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया जारी है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते लगातार आतंकी ढेर किए जा रहे हैं। सेना के चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट में इस साल जनवरी से लेकर 16 जून तक 113 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और उन्हें खोजकर मौत के घाट उतार रहे हैं। 2018 में सुरक्षा बलों ने 257 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि 2017 में 213 और 2016 में 150 आतंकी मारे गए थे। यानी बीते 3 सालों में 733 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को इस साल सबसे बड़ी सफलता 23 मई को मिली, जब जाकिर मूसा को एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। जाकिर मूसा को कश्मीर के त्राल में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया था। मूसा आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर था और अब अलकायदा से जुड़ा समूह चलाता था। सुरक्षा बलों ने 2018 में जम्मू और कश्मीर में सक्रिय अबू मतीन, अबू हमास, समीर अहमद भट्ट उर्फ समीर टाइगर, सद्दाम पट्टार, अबू कासिम, अबू माविया, मन्नान वानी, महराजुद्दीन बंगारू, सब्जार अहमद सोफी, जावेद नट और जकूर अहमद ठोकार जैसे आतंकवादियों को मार गिराया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने तक जो आतंकी मारे गए उनमें 25 विदेशी और 76 स्थानीय हैं। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार आतंकियों के मुद्दे पर पूरी तरह से सख्त है। आतंकियों से लोहा लेने और उनके खात्मे को लेकर सरकार ने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे रखी है और ऐसे में खबर जो अभी आ रही है वो ये 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सेना ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ऐसे में जल्द ही उम्मीद की जा सकती है कि इन आतंकियों का भी सफाया हो जाएगा।